अब हम इसके अंदर अगर टैक्स का मॉड्यूल ऐड करना चाह रहे हैं तो टैक्स का मॉड्यूल ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस को दोबारा से करना पड़ेगा। टैक्स अमाउंट क्योंकि हम इंटर नहीं करेंगे उसको फिक्स करेंगे, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे DUBLE TX टैक्स और उसके अंदर डायरेक्टली असाइन कर देंगे वैल्यू। देखिए मैं यहाँ पे ही कर रहा था, खाली डिक्लेयर कर रहा था, मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी कर रहा हूँ और साथ में उसको एक वैल्यू भी दे रहा हूँ, ठीक है, सपोज टू बी 18, तो 18 मैंने यहाँ लिख दिया। अब टैक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 18 हो गई है। यहाँ पर जाके हमने क्या किया कि हमने दोबारा से क्या किया, जो हमारे पास टोटल में अमाउंट आया उसको हमने दोबारा टोटल में क्या किया, टोटल को दोबारा से मल्टीप्लाई किया टैक्स से और डिवाइड किया 100 से। तो ये एक तरीका है, उसको अगर हम प्रीसीडेंस पे लेकर आ रहे हैं तो इन दोनों वैल्यूज को हमें ब्रैकेट में लिखना है ताकि पहले वो मल्टीप्लीकेशन करे, आफ्टर देन फिर वो डिवाइड करे और जो आंसर आए दोबारा से टोटल की वैल्यू को अपडेट कर दे। As I told you के वेरिएबल अपनी वैल्यू को अपडेट भी कर सकता है, लेकिन अपडेट का मकसद होता है पिछली वैल्यू को लॉस्ट करना और नेक्स्ट वैल्यू को अवेल करना। उसके बाद सी आउट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपने लेस देन दिया, यहाँ पे एक न्यू लाइन लगाया और यहाँ पर आपने लिखा टेक्स्ट अमाउंट। तो टेक्स्ट अमाउंट जैसे आपने लिखा तो यहाँ पे आउटपुट आएगा टेक्स्ट अमाउंट का और वो होगा हमारा किसके अंदर, टोटल के अंदर। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे एक नुकसान ये होगा कि हमारा टैक्स अमाउंट तो कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट होके वो इसमें आ जाएगा लेकिन टोटल की अपनी वैल्यू को लॉस कर देगा। तो बेहतर ये रहेगा कि आप बजाय इसके कि टोटल के अंदर इसको स्टोर कराएं, आप टैक्स के अंदर इसको स्टोर करा लें तो टैक्स अपने आप को अपडेट कर लेगा। तो फिर यहाँ पे आउटपुट में हम लेते हैं टैक्स का, तो यहाँ पे हमने टैक्स वाले वेरिएबल का आउटपुट ले लिया जो कि तकरीबन 16% बन रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 18% लगाया, 18% सेव कर दिया, फिर से रन किया प्रोग्राम को, इसमें एरर बता रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये ब्रैकेट के बाहर जाएगा, ठीक है, सेव किया, रन किया प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम रन हो पड़ा। तो यहाँ पे हमने 6000 वैल्यू डाली, 6 इसकी क्वांटिटी लिखी, 36000 हो गया, डिस्काउंट लिखा 3000 रुपीज, एंटर किया तो नेट अमाउंट बन गया 34000 और उस पर 18% टैक्स बना 6120 रुपीज। थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू है तो यहाँ पर हम एक स्पेसिंग ऐड कर लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर भी एक स्पेस कॉलन लगा देते हैं और एक स्पेस देके कॉलन स्पेस यहाँ भी दे देते हैं। अब टैक्स अमाउंट को हमें प्लस करना है टोटल में, तो एक और लॉजिक बनाएंगे कि जो भी टोटल में वैल्यू है उसको अपडेट कर लो, टोटल को प्लस कर दो किसके साथ, टैक्स के साथ, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा पेड अमाउंट। तो यहाँ पे लिखा आपने सी आउट न्यू लाइन और यहाँ पे आपने लिखा न्यू लाइन अमाउंट पे और यहाँ पे हमने स्पेस दिया और यहाँ पे लेस देन लगाया दो बार और यहाँ पे हमने दोबारा से टोटल को यहाँ पे आउट कर दिया। यहाँ से हमने इसको रन किया प्रोग्राम को, फिर इसमें एक एरर बता रहा है, तो टैक्स वाज नॉट डिक्लेयर, टी कैपिटल लिखने से एरर आ रहा था, टी को मैंने स्मॉल कर दिया। यहाँ से रन किया प्रोग्राम को तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू डाली 7006, ये हो गए 42000। कह रहा डिस्काउंट, मैंने कहा 300 का डिस्काउंट करें, 341700, टैक्स 18% उस पर इंक्लूड हो गया 7506 और रिमेनिंग और जो टोटल अमाउंट बना जो पे किया जाएगा 49206 रुपीज पे किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से हमारी जो ऐप थी वह पूरा पूरा हमें टैक्स का सिस्टम भी दे रही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने स्मार्ट बिलिंग ऐप बनाया था जो हमसे एक प्राइस का इनपुट ले रहा था, जिसके बाद उसमें उसको क्वांटिटी डाल रहे थे, जिसमें हम उसको फिर प्राइस और क्वांटिटी का आउटपुट दे रहा था, फिर उनका टोटल अमाउंट, फिर डिस्काउंट के बारे में पूछ रहा था, डिस्काउंट के बाद उसके बाद नेट अमाउंट और फिर टैक्स उस पर इंक्लूड करके हमें इसने इसका फाइनल रिजल्ट दे दिया। तो इस एप्लीकेशन में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम इनपुट आउटपुट और लॉजिक्स क्रिएट कर रहे हैं टैक्स की, डिस्काउंट की और इस तरह की, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो पा रही हैं।